क्यों, कब, कहां और कैसे, ये चार ऐसे सवाल हैं जिसे करना अगर किसी व्यक्ति ने सीख लिया, किसी और से नहीं, अपने आप से, खुद से, तो बिलीव मानिएगा उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आज मैं यहां अपने सभी विद्यार्थियों से बात करने आया हूं, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। जुलाई का महीना आ चुका है, नया सेशन स्टार्ट होना है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, जो आपके काम आने वाली हैं इस पूरे साल, आपकी तैयारी में, आपकी पढ़ाई में और आपकी एक बेहतरीन रिजल्ट में। जैसा कि मैंने कहा कि आपको चार सवाल करने आने चाहिए, किसी और से नहीं, खुद से, कि मैं जो भी कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? आप कुछ और कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? दिन में कम से कम 10 बार अपने आप से यह सवाल पूछो। कोई भी काम करने से पहले अपने आप से यह सवाल पूछो, क्यों? और अगर उसका जवाब सही मिले, जिससे आप संतुष्ट हो, जिससे आप सेटिस्फाइड हो, तब अपने आप से पूछो कि कब। जो भी कर रहे हो ठीक है, कारण मिल गया इसलिए करना है, लेकिन कब करना है? इज दिस द राइट टाइम? क्या ये सही समय है इसे करने का? अगर जवाब ना में है तो मत करिए, वेट फॉर द राइट टाइम, सही समय आने दीजिए, तब स्टार्ट करिएगा, तब करिएगा उसे। और अगर हाँ में है, कहा ठीक है, तो फिर कहाँ करना है? जिस जगह अभी आप हो, क्लास में बैठे हो, घर पर हो, जहां हो, क्या इज दिस अ राइट प्लेस? क्या ये सही जगह है उस काम के लिए? अगर हाँ तो करिए, और नहीं तो वेट करिए सही जगह के लिए। और अगर ये तीन सवाल का जवाब मिल गया तो फिर कैसे, तो मिल ही जाना है कि कैसे करना है, वो तो आपको जवाब मिल ही जाएगा। तो ये चार सवाल हर विद्यार्थी को अपने आप से करना जरूरी है। दूसरी बात, जैसा कि मैं पहले कई वीडियो में कह चुका हूं, क्लास में बता चुका हूं, कि ये जो साल भर की पढ़ाई होती है ना, आप वो जो बोर्ड एग्जाम की जो पढ़ाई होती है, आप 10th में हैं, 12th में हैं, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक मैराथन की तरह है। इसमें आप हड़बड़ी नहीं दिखा सकते, इसमें आपको डे वन से प्रिपेयर होना पड़ता है, डे वन से प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ती है। और कोई हड़बड़ी नहीं, कोई तेजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से चलिए। जैसे जो मैराथन के मजे हुए खिलाड़ी होते हैं ना, वो शुरुआत में बहुत स्पीड नहीं पकड़ते, आराम आराम से चलते हैं, और जब उन्हें फिनिशिंग लाइन दिखाई देने लगती है तो अपना जी जान झोंक देते हैं। बस वही हमको करना है, आराम, रेगुलर, रोजाना अपने आप से पूछना है कि आज मेरी ड्यूटी क्या है। जब भी किसी क्लास में बैठो तो खुद से पूछो कि इस समय मेरी ड्यूटी क्या है, खुद से सवाल करना स्टार्ट करो। अभी हम लोग बहुत कम ऐसा करते हैं कि अपने आप से सवाल करें, इवन हम सवालों से भागते हैं, और कोई पूछे तो हमारे पास 10 जवाब होते हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और खुद से तो सवाल करने से हम बचते ही हैं, क्योंकि हम रियलिटी जानते हैं, हम सच्चाई जानते हैं, और सच्चाई को फेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए खुद से बात करना स्टार्ट करो, खुद से सवाल करना शुरू करो। जब भी क्लास में बैठो खुद से पूछो कि इस समय मेरी ड्यूटी क्या है। जवाब अपनी आपकी कंसाइंस देगी, आपकी अंतरात्मा देगी, और जो जवाब अंदर से आए उसे फॉलो करो। दूसरा, जल्दबाजी मत दिखाइए, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। जल्दबाजी मत दिखाइए, हड़बड़ी मत दिखाइए, पेशेंस रखिए। वो कहते हैं ना कि धैर्य और तपस्या जिसके पास है वही सूरज की तरह आसमान में चमकेगा। तो इसलिए हड़बड़ी मत दिखाइए, पेशेंस रखिए, छोटे छोटे टारगेट सेट करिए। जैसे आज जितने भी आपके क्लासेस थे,
उन सब में जो भी सिलेबस कराया गया वो आज कंप्लीट होना चाहिए। और उसे कंप्लीट करने का एक बेहतरीन तरीका है कि उसे कॉपी पर लिखिए, एक डायरी बनाइए, कॉपी बनाइए, जिसे अपने सिरहाने रखिए। सुबह जगकर सबसे पहला काम करिए कि उसमें लिखिए कि आज आपको कितना कर याद करना है, कितना स्टडी करना है और कितना रिवाइज करना है। लिखिए उसमें पॉइंट वाइज हर सब्जेक्ट का। और उसके बाद शाम को सोते समय एक बार चेक करिए कि जो लिखा था क्या वो कंप्लीट हुआ। अगर कंप्लीट हुआ तो राइट टिक करिए, नहीं हुआ तो क्रॉस करिए। और सोचिए कि ऐसा क्या कर रहे थे कि ये नहीं हो पाया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपके लिए पहला काम पढ़ाई है। आप सब जानते हैं, आप सब अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, आप सब पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी उतना नहीं पढ़ पाते जितना पढ़ना चाहिए, उतनी मेहनत नहीं कर पाते जितनी करनी चाहिए। और उसका रीजन यही है कि आप लिखते नहीं हैं। मन में सोचने से कुछ नहीं होता, हम भूल जाते हैं और चीजों को कल पर टाल देते हैं। अगर आप लिखेंगे तो आपको दिखेगा सामने, नजरों के सामने, और जब नजरों के सामने दिखता है तो जवाब देना पड़ता है। किसी और को देना हो ना देना हो, खुद को देना पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, जवाबदेही जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब जवाबदेही तय हो जाती है तो इंसान ना चाहकर भी काम करता है, मेहनत करता है। तो इसलिए जवाबदेही तय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लिखिए उसमें, और अगर नहीं हुआ तो क्रॉस बनाइए और अपने आप से पूछिए कि ऐसा क्या कर रहे थे कि आप नहीं कर पाए। जवाब मिल जाएगा। अगर बहुत कोई जरूरी काम था तो कोई बात नहीं, कल सुबह उसको सबसे पहले लिखिए जो आपने आज नहीं किया था। और इस तरीके से अपनी तैयारी शुरू करिए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। छत पर पहुंचना है तो छोटे छोटे सीढ़ियों से होकर ही जाना पड़ेगा। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। और कभी ये मत सोचिए कि क्या बनना है, सोचिए कि क्या करना है। क्या करना है आपको लाइफ में, जो करना है वो अभी से डिसाइड करिए। और लंबा मत सोचिए, देखिए बहुत दूर जाने की मत सोचिए, क्योंकि जब बहुत लंबी दूरी दिखाई देती है तो हौसले पस्त होने लग जाते हैं। तो लंबा जाने का मत सोचिए। एक बार होता क्या है कि एक लड़का किसी सफर पर निकला था, रात हो जाती है, अंधेरा था, भले ही उसके पास टॉर्च था उसके पास, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि आज सुबह चलेंगे, अभी तो अंधेरा है, टॉर्च में भी कितना दिखाई देगा, और वो बैठ के आराम करने लगता है। तभी वहां से एक वृद्ध साधु गुजर रहे होते हैं। उन साधु के हाथ में एक दीपक था और उस दीपक की रोशनी में वो आगे चले जा रहे थे। तो वो लड़का उनसे पूछता है कि बाबा रात हो गई है, आप भी रुक जाइए, मेरे पास तो देखिए टॉर्च है, फिर भी मैं नहीं जा पा रहा हूं, आप इस दीपक से कैसे चलेंगे, इससे तो केवल एक कदम की दूरी दिखेगी। अभी साधु का जवाब सुनिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। वो कहते हैं कि बेटा एक कदम ही तो देखना है, एक कदम के बाद अगले कदम दिखने लग जाएगा, अगले कदम के बाद अगला दिखने लग जाएगा, तो एक कदम ही तो देखना है। बस इसी फिलॉसफी को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाइए। एक एक कदम ही तो देखना है यार, ये सामने जो स्टेप है उसी तो करना है, सौ कदम की क्यों सोच रहे हो, एक कदम ही तो देखना है, तो उसको देखिए और चलिए, अगला कदम अपने आप देखने लग जाएगा। और एक बात और, आप पढ़ाई करते समय जो भी जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ें, इंग्लिश पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसका जो भी एक आंसर जो आप कर रहे हैं, अगर आप उसे क्वेश्चन आंसर समझ के याद करेंगे और सोचेंगे कि इसे एग्जाम में लिखना है, तो वो आपको बोझ की तरह दिखाई देने लगेगा। सोचिए कि वो एक क्वेश्चन, एक वो सम, एक वो आंसर नहीं है, वो एक ईंट है। ईंट है उस मकान की। कौन सा मकान? आपका करियर, जो आप अभी लगा रहे हो। एक एक ईंट है वो, जिसके एक एक ईंट से आप उस मकान को बनाओगे जिसका नाम है आपका करियर, जिसमें आपको 25 साल की उम्र के बाद रहना है, कॉलेज से निकलने के बाद जिसमें आपको रहना है, पूरी जिंदगी वही उसी मकान में रहना है आपको, उसी करियर को आगे बढ़ाना है, आगे चलना है, और उसी से आपकी जिंदगी डिसाइड होगी।
तो एक एक आंसर याद करते समय उसे ये मत समझिए कि वो आंसर है, ये समझिए कि एक ईंट है जो आज आप रख रहे हो, अगर वो उल्टी सीधी लग गई, अगर वो टेढ़ी वेढ़ी लग गई तो पूरा मकान बिगड़ जाएगा। अगर आप ऐसा सोचोगे तो हर आंसर हर शाम आप सोच समझ के करोगे, पूरे मन से करोगे, क्योंकि आप उसको फिनिशिंग देना चाहोगे, क्योंकि कोई भी एक खराब मकान में तो नहीं रहना चाहेगा। अगर इस तरीके से इस अप्रोच को लेकर आप अपने सेशन की शुरुआत करेंगे, पढ़ाई की शुरुआत करेंगे, तो ना केवल 10th का 12th का या जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, बल्कि एक बेहतरीन जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। धीरे धीरे आप अपने आप को चेंज महसूस करने लगेंगे, यू विल कम अप विथ योर बेटर वर्जन एवरी डे, हर दिन एक नया वर्जन निकल के आएगा आपका, और आप लाखों लोगों को पीछे छोड़ दोगे, आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे। मैं कई बार कह चुका हूं कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में छोटे से एक्स्ट्रा की जरूरत है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो टॉपर होते हैं, वो अपने ऑर्डिनरी में एक छोटा सा एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है कहीं भी, कॉम्पिटिशन केवल और केवल ऑर्डिनरी लोगों के बीच में होता है। अगर सपोज करिए कि किसी भी जॉब के लिए वैकेंसीज निकलती हैं और 100 वैकेंसीज हैं, तो कम से कम 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन उन 10 लाख लोगों में कम से कम 9,50,000 ऐसे होते हैं जिनकी कोई प्रिपरेशन नहीं होती, वो तो बस इसलिए अप्लाई कर दिए क्योंकि वैकेंसीज आ गई। थोड़े बहुत उनमें से, उन केवल 50,000 ऐसे हैं जो तैयारी में हैं, और वो पूरे नहीं, उनमें से 40,000 ऐसे हैं जिसने कुछ दिन पहले ही तैयारी शुरू करी। अब बचते हैं 10,000, उन 10,000 में से कम से कम 9,000 ऐसे होंगे जो पूरी तरह प्रिपेयर नहीं है। केवल 1,000 लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं, और असली कॉम्पिटिशन उन्हीं के बीच होता है। तो इतना बड़ा मत देखिए कि अरे 10 लाख लोगों ने, 1 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, नहीं, रियल कॉम्पिटिशन तो बहुत कम लोगों में है जिन्होंने अपने ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा जोड़ लिया है। इस तरीके से अपने सेशन की शुरुआत करिए, फिर देखिए कितना बेहतरीन रिजल्ट आपको इस साल मिलने वाला है। और मैं बच्चों के पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ, अपने भाई बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को ये अभी से ना बताएं कि उन्हें क्या बनना है, उन्हें ये बताएं कि उन्हें क्या करना है, अभी उनकी ड्यूटी क्या है, उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उनके इंटरेस्ट को जानें और उन्हें बताएं कि उन्हें क्या करना है और उसको करके कैसे वो खुद की और अपने आसपास वालों की, अपने परिवार की, अपने आसपास वालों की जिंदगी बदल सकते हैं। फिर देखिए चमत्कार होते देर नहीं लगती, चमत्कार होते हैं, बात है लगातार प्रयास करने की, लगातार चलने की, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ। और फिर देखिए कैसे आप सूरज की तरह चमकेंगे। सूरज को कभी यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो उग गया, उसकी तपिश से लोग अपने आप जान जाते हैं, उसकी चमक से लोग अपने आप जान जाते हैं कि दिन चढ़ आया है। जब आप लगातार प्रयास करेंगे तो आप भी सूरज की तरह चमकेंगे। आपको अपनी सफलता की किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपकी सफलता बोलेगी, लोग बोलेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सभी को नए सेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेहनत करिए और विश्वास के साथ एक एक कदम आगे बढ़िए, क्योंकि एक ही कदम तो चलना है, एक कदम के बाद अगले कदम की दूरी देखने लग जाएगी।